हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो सीपीएल का मैच होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको टॉस के बाद टीम है। तो पहले आप टेलीग्राम पर जाइए, फिर सर्च करिए @DreamElevenGF, उसके बाद हमारे लोगो दिखेगा, आपको लोगो दिख के आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा मंथली उससे पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते थे हमारा मंथली प्राइम के लिए बारे में। तो अब अगर आपको मंथली प्राइम चाहिए तो फिर आप हमारा मंथली प्राइम ले सकते हैं, जिसमें हर मैच का 16 देते हैं। तो और उसके लिए आपको ड्रीम इलेवन में कम से कम 1000 बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप ड्रीम हमारे मंथली प्राइम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपके पास खुद ही खेलने के लिए उतना पैसा नहीं है तो फिर ड्रीम इलेवन मतलब खेलने के लिए पैसा नहीं है तो फिर आप खुद ही खेल सकते हैं 200 रुपये लेकर। मंथली प्राइम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हम डिस्कस शुरू कर देंगे। तो हम पहले तो दोस्तों अभी हम ड्रीम इलेवन पे आ गए, तो देख सकते हैं भाई SLJ तो विकेट कीपर में देखिए SLJ और बाबर का मैच होने बारबाडोस का मैच होने वाला है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते कि बारबाडोस का जीतने का ज़्यादा चांस है, और बारबाडोस थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो बारबाडोस को थोड़ा फेवर करके आप टीम बनाना, लेकिन कम से कम दो टीम में आप SLZ को फेवर करके टीम बनाना, क्योंकि CPL में थोड़ा गड़बड़ भी चल रहा है, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई फेवरेट टीम भी हार रहा है। तो उसी के ध्यान में रखते आप मतलब उसी के ध्यान में रखते आप टीम बनाना, तो आपको ग्रैंड लीग जीतने में आसानी हो सकता है। लेकिन आप ऐसे ही मतलब फेवर करके ज़्यादा टीम बनाएंगे तो फिर आपको जीतने का ज़्यादा चांस होगा। लेकिन अगर आप ऐसे मीडियम टीम एवरेज टीम बनाएंगे तो फिर आपका रैंक भी एवरेज ही आएगा, रैंक उतना खास नहीं आ सकेगा, क्योंकि एवरेज टीम बनाएंगे तो एवरेज टीम रैंक आएगा। अगर आप रिस्की टीम बनाएंगे तो रिस्की रैंक आएगा, मतलब इधर रिटर्न आएगा इधर आपका अच्छा खासा रैंक आएगा, ऐसा ही होता है। तो दोस्तों देखिए आप विकेट कीपर में से दोनों अवेलेबल है, मतलब फ्लेचर और जॉनसन चल्स। इससे अलावा मतलब अगर कोई न्यू एंट्री मारता है तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ग्रैंड लीग में आप फ्लेचर और चार्ल्स दोनों को ट्राई कर सकते हो, लेकिन फ्लेचर को आप ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो ग्रैंड लीग में थोड़ा सा, लेकिन ग्रैंड लीग में इसको मस्ट ट्राई करना। और आज के लिए प्लान भी है हेल्स को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना। पिछले मैच में ओपन करने आया था लेकिन उससे पहले ओपन नहीं किया था, तो आप इसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना। हो सकता है आज का ये दिन हो तो आप इसको ग्रैंड लीग में आपको कैप्टन का पॉइंट दे सकता है, तो आप इसको कैप्टन भी बनाना। डेरेन सैमी को ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग कर रहा है 1-2 ओवर लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर पा रहा है, तो उससे के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसको हम आप ट्राई कर सकते हो, तो आप डेरेन सैमी को ट्राई करना। कॉलिन इनग्राम को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना, सेफ ऑप्शन रहेगा। और काटर ही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं। अगर न्यू कोई प्लेयर खेलता है तो फिर उसको ट्राई कर सकते हो आप ग्रैंड लीग में। ऑलराउंडर में आप बारबाडोस के डुमिनी को ट्राई कर सकते हो, डुमिनी जो बहुत बढ़िया फॉर्म है, हर मैच पे कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहा है, और लेकिन पिछले मैच पे फ्लॉप चला गया। जैसे हमने वीडियो में बोला था कि आप बड़े प्लेयर को छोड़ सकते हो, डुमिनी को ऐसे ही मतलब बोला था, तो ऐसे ही तो आप इसको ग्रैंड लीग में लेकिन ड्रॉप करना। लेकिन देखिए 75% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा, तो उतना कुछ ये नहीं होगा, लेकिन आप इसको रख सकते हो। लेकिन क्या है डोसाकिबुल के आने की वजह से डुमिनी का बॉलिंग करने का जो ये है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसी के ध्यान में रखते हो। जैसे आपको बैटिंग में ही थोड़ा सा पॉइंट देखते हो, लेकिन बॉलिंग शायद उतना ना करे। बाई चांस अगर पिच थोड़ा सा ज़्यादा स्पिनर कोई सपोर्ट करे तभी कर सकते हैं, या कोई और बॉलर फ्लॉप जाए तभी। तो आप इसको ट्राई करना डुमिनी को ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में, स्मॉल लीग तो सेफ ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में आप एक दो टीम में ड्रॉप कर सकते हो और कैप्टन भी बनाना। और अब ऑलराउंडर में कॉर्नेल को आप हार्ड हिटर बैट्समैन है, हिट और मिस है, तो आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है। तो आप ग्रैंड लीग में इसको 1-2 टीम में ड्रॉप करना, अगर हिट कर गया तो आप क्या करना, आप जब भी जिस मैच जिस टीम पे भी आप लेंगे इसको, तो आप इसको कैप्टन बनाना, क्योंकि अगर ये हिट कर गया तो फिर आप ग्रैंड लीग में कैप्टन का पॉइंट दे सकते, अगर मिस कर गया तो फिर आपको मतलब अगर सब टीम में लोगे तो फिर पूरा टीम आपका बिगाड़ सकता है। जेसन होल्डर को ये कंसिस्टेंट परफॉर्म है, हर मैच में कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहा है, लेकिन जिस मैच में फ्लॉप जा रहा है तो वो तो एकदम पूरी तरह से फ्लॉप जा रहा है, तो उसी ध्यान में रखते आप। लेकिन ऐसे उतना कुछ खास भी पॉइंट नहीं दे पा रहा है जो कैप्टन का पॉइंट दे, जस्ट ऐसे ही मतलब 30-40 करके पॉइंट दे रहा है, तो आप उसके ध्यान में ऐसे एज ए प्लेयर ऐसे रख सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में कैप्टन एक टीम में बना भी सकते हो। विकेट और साकिबुल हसन को पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में से बचना, और आप इसको ग्रैंड लीग में कैप्टन भी बना। कॉलिन ग्रैंडहम आज के मैच के पान थे, पिछले मैच में फ्लॉप चला गया, लेकिन उतना बॉलिंग भी नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको ट्राई करना और कैप्टन भी बनाना 1-2 टीम में स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो इसको पांच के हिसाब से। नर्स को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पर बार्नेल को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में खेल रहा है, और लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर पा रहा, परसेंटेज भी कम, बहुत कम लोगों ने लगा SLZ का ऊपर टॉप ऑर्डर फ्लॉप जैसे, तो फिर ऐसा प्लेयर काम में आता है। बॉलर में से आप फहद अहमद, हम आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि फहद अहमद अगर फर्स्ट
आप फास्ट में बॉलिंग करते हो तो आप फरहाद को चाक बंद करके मतलब नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर सेकंड में बॉलिंग करते हैं तो आप इसको ले सकते हो, ये बहुत आपको एक दो विकेट चटका सकते हैं, लेकिन फास्ट में ज़्यादातर विकेट नहीं लेता है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। हैरी गुंडी को आप रख सकते हो, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ही रख सकते हो। डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो आपको अगर विकेट तीन चार विकेट चटका लिया तो आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। आप किस नंबर संटोकी को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में ट्राई करना, ज़्यादातर लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन बहुत मतलब बॉलर जो है ना सब बॉलर ही अच्छा है और बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, तो उसके ध्यान में रखते हुए आप टीम बनाना। और दोस्तों सांटोगी और विलियम्स को विलियम और सांटोगी को मैं विलियम्स के बारे में बोल देता हूँ आपको। विलियम्सन अगर SLZ पे फास्ट में बॉलिंग करते हो तो विलियम्सन को आप मस्ट ट्राई करना, अगर नहीं करता तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, पेविचा इसको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग करते हो तो आप इसको मस्ट ट्राई करना। बिलजॉन को आप ट्राई कर सकते हो, बिलजॉन बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है, अगर बैटिंग करने के बाद तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देख सकते हो, तो आप इसको बिलजॉन को बैटिंग से मतलब ट्राई कर सकते हो, और बॉलिंग भी एक मैच में अच्छा बॉलिंग करे तो दूसरे मैच में फ्लॉप जा रहे तो आप इसको उसी रखते इसको टीम मतलब टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। रायफार को ट्राई करना, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, आपको अभी बैटिंग से बैटिंग करने में भी मौका मिले तो बैटिंग से भी पॉइंट दे रहे, तो आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो पंथ के हिसाब से। हेडन ऑल्स जो हमारा फेवरेट प्लेयर है, आप इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना, बहुत अच्छा बॉलर है, आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, कैप्टन बना सकते हो अब इसको, और मस्ट है एक दो मतलब आपको हर टीम में इसको रखना चाहिए, एक दो पॉइंट आपको देगा, और अगर बैटिंग करने का मौका हो तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हो। दोस्तों वीडियो अभी खत्म करते हैं हम, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो आपको वीडियो मिले, और हमारा अगर आपको हर फ्री चैनल पे भी ज्वाइन हो ताकि आपको टॉस के बाद टीम मिले, और हमारा अगर हर मैच का आपको आपको सिक्स टीम चाहिए तो फिर आप हमारा मंथली प्राइम भी ले सकते हैं, पूरा डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, उसी के थ्रू आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, और आप पूरा जो है अगर किसी भी तरीके आपका डाउट है तो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा ये बोल देता हूँ, टिप्स देता हूँ कि आपको अगर बारबाडोस जीतेगा तो आपको क्या क्या करना चाहिए, डुमुनी और यहाँ पर हेल्स यही और आपको चार्ल्स, यही तीन चार प्लेयर है, और बॉलर में से आप यहाँ पर देखेंगे राइफार वॉल्स यही तीन चार प्लेयर है जिसको आप कैप्टन बना सकते हो, जैसे कि बॉलर में अगर किसी बना को तो वॉल्स के बना सकते हो, राइफार में से एक को बना सकते हो कैप्टन, साकिबुल को बना सकते हो, डुमुनी को बना सकते हो, और ऐसे चार हो गया, तो बैट्समैन में हेल्स को बना सकते हो, और ऐसे चार्ल्स को आप एज ए प्लेयर रख सकते हो, तो जस्ट पाँच प्लेयर है जो उसको आप अगर आपको लगता है बारबाडोस जीतेगा तो इन्हीं चार पाँच प्लेयर को आपको कैप्टन बनना चाहिए तो आपको ग्रैंड लीग जीत सकते हो, और ज़्यादा हटके करना है तो फिर अगर कोई न्यू एंट्री मारता है तो फिर इसको कैप्टन बना सकते हो, लेकिन आप अगर लगता है कि SLZ जीतेगा तो कॉर्नेल को कैप्टन बना सकते हो, ग्रैंडहम को कैप्टन बना सकते हो, और यहाँ पर आप अगर ऐसे ये इनग्राम को कैप्टन बना सकते हो और फ्लेचर को बना सकते हो, और इतना और बॉलिंग में अगर आपको ट्राई करना है तो फिर सैंटो की बहुत बढ़िया ऑप्शन है, डेटा उन्हें बॉलिंग करते हैं आपको विकेट चटका ये ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी अच्छा कर लेते तो आप इसको ग्रैंड लीग में कैप्टन भी बना सकते हो, और विलियमसन को भी अगर फास्ट में बॉलिंग करते हो तो विलियमसन को आप कैप्टन बना सकते हो, आपको कैप्टन का पॉइंट देने का कैपेबिलिटी रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो अभी खत्म करते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक करना मत भूलिए, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारा जो काम है वो तो हम तो करते ही रहेंगे। तो दोस्तों अभी ये वीडियो खत्म करते हैं, बाय।